हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस गिवन बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 13। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ एंड द स्काई, पृथ्वी और आकाश। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पृथ्वी और आकाश के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह ज़मीन और पानी से बनी हुई है और पृथ्वी की ज़मीन हर जगह पर एक जैसी नहीं है। इसके कई रूप हैं, जैसे कहीं पर हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, कहीं पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, कहीं मैदान होते हैं, कहीं घाटियाँ होती हैं, कहीं रेगिस्तान देखने को मिलता है, तो कहीं पर टापू होते हैं। और हमने स्काई के बारे में पढ़ा था। स्काई और हमने ये भी पढ़ा था कि हम आकाश में सूरज, चांद, बादलों और तारों को देख सकते हैं। हम सूरज, चांद और तारों को अलग अलग समय में देखते हैं। जैसे दिन के समय में हम सूरज को देखते हैं और रात में चांद और तारों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सूरज, चांद और तारों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Sun is a big balls of fire. Fire means आग। सूरज आग की एक बड़ी बॉल है। It gives us heat and light. Gives means देना। Heat means गर्मी। Light means रोशनी या प्रकाश। यह हमें गर्मी और रोशनी देता है। Plants, animals and human beings require the warmth of the sun to live. Plants means पौधे, animals जानवर, human beings मनुष्य, require ज़रूरत, warmth means गर्मी, sun means सूरज, live means रहना। पौधों, जानवरों और मनुष्यों को रहने के लिए सूरज की गर्मी की ज़रूरत होती है। As the sun rises in the east, जब सूरज पूरब से उगता है, rises means उगना और east means पूरब। east ये एक direction का name है, एक दिशा का name है। जब सूरज पूरब से उगता है, it marks the beginning of a new day. marks means चिन्ह, beginning means शुरुआत, न्यू डे मीन्स नया दिन। तो यह नए दिन की शुरुआत का चिन्ह होता है या प्रतीक होता है। When the sun sets in the west, जब सूरज वेस्ट डायरेक्शन का नेम है और वेस्ट को हिंदी में पश्चिम कहते हैं। जब सूरज पश्चिम से छिपता है, sets मीन्स छिपना, जब सूरज पश्चिम से छिपता है, द डे एंड्स, तो दिन ख़त्म हो जाता है। नाउ द मून, चांद या चंद्रमा। वी सी द मून एट नाइट, हम रात में चांद को देखते हैं। सी मीन्स देखना। इट इज़ वेरी स्मॉलर दैन द सन एज वेल एज द अर्थ। स्मॉलर मीन्स छोटा। यह सूरज से और साथ ही साथ पृथ्वी से बहुत छोटा होता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, चंद्रमा की या चांद की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह से सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, गिव्स द मून इट्स वाइट कलर, चंद्रमा को अपना एक सफ़ेद रंग देता है। इसका मतलब जब चांद की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह चांद को सफ़ेद रंग देता है। द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग एवरी नाइट, चंद्रमा का आकार हर रात बदलता रहता है। कीप्स चेंजिंग, बदलता रहता है। एवरी नाइट, हर रात या प्रत्येक रात। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द स्टार्स, तारे। We see many stars twinkling in the night sky. Twinkling means टिमटिमाना।
हम तारों को रात में आकाश में टिमटिमाते हुए देखते हैं। देयर आर सो मैनी स्टार्स दैट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट दैम। आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं जिन्हें काउंट करना मतलब जिन्हें गिनना संभव नहीं है। स्टार्स लुक वेरी स्मॉल टू अस। तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं ऑल्दो दे आर मच बिगर इन साइज। परंतु वे आकार में बहुत बड़े होते हैं। दे लुक स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वे हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें रात में तारे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। वैसे वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं।